नमस्कार, इंटरटैप न्यूज में आपका स्वागत है। अवनीश राज छोटू सत्र के नेतृत्व में जनपद के 17 ब्लॉक में दवा की किट वितरण लगातार की जा रही है। बलिया जनपद सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी व भाजपा नेता एवं एमएलसी अरविंद शर्मा के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रारंभिक लक्षण को रोकने के लिए बनाई दवा की किट को जनपद बलिया में उनकी टीम के प्रमुख सदस्य अवनीश राज छोटू सदर विधानसभा बलिया और उनकी टीम के नेतृत्व में जनपद के 17 ब्लॉक में जहां जहां जरूरत हुई वहां वहां बाबा की किट पहुंचाई गई। कोविड 19 से बचने के तरीके ग्रामीणों को बताए जा रहे हैं। दवाओं का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, अवनीश राज छोटू ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रारंभिक लक्षण वाले व्यक्तियों को इस दवा दिलवाएं। उन्होंने बताया कि भाजपा नेता एमएलसी अरविंद शर्मा लगातार अलग अलग जनपदों के कोने कोने में मदद पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों की मदद हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले अरविंद शर्मा अपने नेतृत्व की वजह से पहले से भी जाने जाते रहे हैं। राजनीति में आने के बाद परोपकार की भावना बड़ा संदेश दे रही है। पूरे यूपी की जनता आज उनको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है। इनकी टीम में बलिया जनपद के सैकड़ों प्रधान और पूर्व प्रधान जुड़े हुए हैं। अवनीश राज छोटू ने बताया कि अरविंद शर्मा कोरोना की भयंकर महामारी में भी लगातार डटे रहे बनारस में और वहीं पूरे पूर्वांचल को इस कोहराम से बचाने का काम किया है। उनका मूल मंत्र है जहां मरीज वहीं उपचार। बलिया जनपद की ओर से पुनः शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवनीश राय छोटू सदर विधानसभा का निवासी हूँ जी। कैसे कार्यक्रम चल रहा है, कितने दिन चल रहा है, कब तक चलेगा? लगभग 35 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक लगातार हम लोग सेवा भाव में लगे हुए हैं अपनी टीम के साथ। और इस समय वर्तमान में हमारे माननीय MLC जो नवनिर्वाचित हैं अरविंद शर्मा जी, जो AK शर्मा के नाम से मशहूर हैं, वो जो बनारस में जहां मरीज वहीं उपचार की व्यवस्था जो लागू हुई है, नई मोदी जी के जो नारा बना है उसके द्वारा जितने कार्यक्रम चल रहे हैं उसी में हम लोग भी सहभागी हैं। और उन्हीं के द्वारा दवा आई हुई है जो पूरे पूर्वांचल में बट रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में बट रही है, उसी के हिस्सा हम लोग बने हुए हैं जी। ये दवा किसी है तो बताएंगे हमको जी। ये दवा आपको दवा में आपका एजिथ्रोमाइसिन गोलियां है, फिर पैरासीटामोल 650 है, विटामिन सी की गोलियां हैं इसमें, और मल्टी विटामिन है, विटामिन डी है, और ये गले की खराश के लिए दवाई उपलब्ध है। और इसके साथ ही ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हम लोग की टीम के द्वारा किया जा रहा है, जो कि सर AK शर्मा के द्वारा ही उपलब्ध है सारी व्यवस्था है। अभी तक जिले में कितने बांटे गए हैं आपकी दवा? लगभग 80 गांवों में हमारे माध्यम से बांटी गई और बाकी कई टीम लगी हुई है। फिर टीम मिला कितनी बांटी गई दवा, कितने दवा बांट? लगभग 7 से 8 हज़ार दवाएँ बांटी गई है। ये पैकेट वाले खड़े? पैकेट वाला जो किट बना हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी किया जा रहा है? इसके अलावा स्कैनिंग और ये कोरोना का जो है जाँच उच भी करवाया जा रहा है अपने माध्यम से, जगह जगह कैंप लगवा के जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं कहूँगा सभी युवाओं से, इस कोरोना काल में आप लोगों ने जिस प्रकार से सहभागिता की और जो लोग पीछे रह गए हैं वो भी, इस देश के युवाओं को जगाने की जरूरत है, जब करके और समाज में चलने की जरूरत है। आप लोग चलें और लोगों का सहयोग करें जी। सेवा परमो धर्म इसी का नारा बनाएं आप सभी। ये कब तक चलेगा कार्यक्रम में? ये जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होगा तब तक लगातार हम सेवा कार्य में लगे रहेंगे। कितना लक्ष्य है बांटने वाला, बांटने के लक्ष्य? शर्मा जी के यहाँ से बोले हैं कि जितना आपको जरूरत होगी दवा उतना हम भिजवाएंगे। आप निश्चिंत होकर के सेवा भाव में लगे, जिसकी जरूरत होगी वहाँ हम पहुँच कर दवा बांटेंगे।